मिस्टर विक्रांत, मिस्टर विक्की गाला, मिस्टर गणेश, मिस्टर पीवी मूर्ति, कैन यू हियर मी? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? वी कैन स्टार्ट। ओके, सो हम लोगों ने इंडिगो सेल लिया था, इंडिया बुल रियल इस्टेट बाई लिया था। इंडिया बुल रियल इस्टेट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और इंडिगो ने कुछ 1736 के आसपास का लो बनाया, 1739 में मैंने स्क्वायर अप भी कर दिया है। तो ज्यादा आज ट्रेड्स था नहीं, आज कन्विक्शन भी था नहीं, और मार्केट भी मैंने आपको लिखा भी है क्लियरली के मार्केट थोड़ा ट्रिकी आज। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ध्यान से समझना, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ये गैप था एग्जैक्टली, गैप के आसपास ओपन हुआ, फॉल हुआ, और ये जो कल का लो था इसी के आसपास सपोर्ट लिया है, दिख रहा है क्या? सो ओवरऑल ये रेंज में फंस चुका है मार्केट, और ये रेंज में ही रहने वाला है एक दो दिन के लिए, मुझे लग रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन, साइडवेज मार्केट वैसा ही देखने मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरा पोजीशन दिख रहा होगा, ये मेरा फायर्स का पोजीशन है और अलाइज ब्लू का भी पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। वेट ऑन मिनट, अलाइज ब्लू का भी मैं ज्यादा ट्रेड किया नहीं, मैंने मॉर्निंग में पोर्शन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, थोड़ा सा मैंने जॉबिंग भी किया आज, और ये मेरा पोर्शन है, दिख रहा है क्या? ये अलाइज ब्लू का है। नहीं आज कुछ किया ही नहीं, आज मार्केट थोड़ा ट्रिकी था मिस्टर अंसर खलीफा, आज मार्केट ट्रिकी है। आज मैंने आपको मॉर्निंग में मैसेज कर दिया था, आज मार्केट ट्रिकी है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक थे, 10-12 स्टॉक रडार पर थे, और 10-12 स्टॉक्स में से एक स्टॉक सेलेक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और निफ्टी भी नीचे जा रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था, बैंक निफ्टी वीक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था मार्केट में, इसीलिए हम लोग ने ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए। अब हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? ठीक है, तो बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर आपको एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट दिख रहा होगा, ये काफी अच्छा रेंज है, 16,800 बहुत क्रूशियल लेवल है ये, दिख रहा है क्या? एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, तीन बार टेस्ट हुआ, चार बार टेस्ट हुआ, फिर गैप डाउन में ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस 16,800, इज इट अ वेरी क्रूशियल लेवल, यस और नो? दिख रहा है मेरा स्क्रीन? 16,800 बहुत क्रूशियल लेवल है क्या? बहुत बार टेस्ट हुआ है, बहुत क्रूशियल लेवल है, तो सबसे पहले मार्क कर लो, 16,800 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, मतलब 16,800 अगर क्रॉस नहीं करता है तो हायर चांस है ये नीचे ही रहेगा। 16,800 अगर पहुंच गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया या वो क्रॉस कर लिया तो फिर वहां से फ्रेश अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 16,800 बहुत क्रूशियल लेवल है, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट, यहां पर आपको एक काफी अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या आज के सेशन में? काफी अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, 16,420-16,430, इनफैक्ट 16,450 अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करें, दो तीन दिन से वही लो है, 16,460-470, 16,460-470-450 के आसपास ही लो बना रहा है, फिर ऊपर कर रहा है, फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर हो जाता है, करेक्ट? तो काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल है ये, ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, नोट डाउन कर लो, 16,450 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर 300-400 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आ सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। 16,450, तो ये लेवल नोट डाउन कर लेना, 16,450 बहुत क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए ऑन द डाउन साइड, 16,800 बहुत क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए ऑन द अपसाइड।
इज दैट पार्ट क्लियर? लेवल्स क्लियर है? चाहिए तो लिख लो, हाँ नोटबुक में लिख लो, कहीं पे लिख लो आप, प्रैक्टिस आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। अभी एक रेंज में अगर आप यहाँ पे प्रॉपर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इट्स अ प्रॉपर ट्राइंगल पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म, प्रॉपर यहाँ पे काफी अच्छा ट्राइंगल बन रहा है। इसको मैं आपको परफेक्टली ड्रॉ करके बताता हूँ तो समझ में आएगा। देखो दिखा क्या, काफी अच्छा ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ट्राइंगल दिख रहा है परफेक्ट, यस और नो? दिख रहा होगा। तो ट्राइंगल ब्रेक कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन है रेंज में, इसीलिए मैंने मैसेज किया है, यू कैन सी हियर, इसलिए मैंने मैसेज किया है। जस्ट वेट वन मिनट, इसलिए मैंने मैसेज किया है। आप मेरा मैसेज भी व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हो। मैंने मैसेज किया था, डोंट वेट फॉर एग्जैक्ट टारगेट, मार्केट लुक्स ट्रिकी टुडे। आई होप आपको मेरा मैसेज मिला होगा क्लियरली। बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश लग रहा है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने 35,000 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब बैंक निफ्टी क्लियरली 35,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो बैंक निफ्टी एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश लग रहा है, ध्यान से देखना। वन टू थ्री, करेक्ट, तीन बार ये टेस्ट कर चुका है 35,000, यस और नो? तीन बार ये टेस्ट कर चुका है 35,000, यू कैन सी। और 35,000 के नीचे ये अगर सस्टेन करता है, नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो क्या क्या होगा, व्हाट इज पॉसिबल, और फॉल आ सकता है, करेक्ट? जस्ट वेट वन मिनट, कैन यू हियर मी? बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, 35,000 के नीचे क्लोज, 35,000 के नीचे अगर आज क्लोजिंग देगा तो बैंक निफ्टी विल बी वीकर, थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पर तीन बार टेस्ट हो चुका है, 35,000 ब्रेक होने के पूरे चांसेस है, ठीक है? 35,000 ब्रेक होगा तो बड़ा फॉल आ सकता है, फिर 34,000, 33,700, 800 तक भी आ सकता है, 1,000 से 1,200 पॉइंट का फॉल है बैंक निफ्टी में। फिर अभी नहीं लेना है ट्रेड, वेट करते 3:15 तक वेट करेंगे मिस्टर धीरज, 3:15 तक वेट करेंगे, अभी बेरिश स्ट्रेटजी नहीं लेना है बैंक निफ्टी में, वेट वेट, मैं आपको बोलूंगा। अभी आप ट्रेड लोगे 3:15 तक, 35,200 हो गया, 300 हो गया, फिर आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है? मैं जब क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट आपको 3:15 तक वेट करना है, ठीक है? तो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग बीटीएसटी एससीबीटी ट्रेड्स पे ध्यान देते हैं।
कौन से स्टॉक रेडार पर है वो चेक करते हैं। मिस्टर दिव्य नेवार, अगर प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा व्यू बेरिश ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू बेरिश है, अगर प्रॉफिट आ रहा है इंट्राडे में ठीक ठाक तो एग्जिट कर दो। थोड़ा सा व्यू बेरिश ही है वैसे, लेकिन अगर थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो इंट्राडे में एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो फिर, क्योंकि दैट वॉज प्योर, मतलब मार्केट थोड़ा ट्रिकी है, तो एक काम करते एग्जिट ही कर देते हैं, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं है अभी। मैंने भी एग्जिट कर दिया। क्रूशियल लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी, बहुत क्रूशियल लेवल पे। ठीक है, कुछ स्टॉक्स रेडार पर है, चेक करते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेड दिया है, लेकिन मार्केट थोड़ा, मार्केट के हिसाब से चलेंगे ना, हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया है, बट थोड़ा बहुत हमें मार्केट के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, राइट। नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर है, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड बहुत जोर से गिरा, काफी सारे स्टॉक्स है। कौन सा स्टॉक है, SCI, स्टेट कॉर्पोरेशन, SCI, SCI, ये एक स्टॉक देखते हैं, स्टेट कॉर्पोरेशन। SCI, स्टेट कॉर्पोरेशन इंडिया, ये भी ऊपर है। SCI NSE में नहीं है क्या? SCI है, स्टेट कॉर्पोरेशन इंडिया, ये रहा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, 20% ऊपर है ये स्टॉक, ये भी रेडार पर है, और देखते हैं और कोई स्टॉक रेडार पर है क्या। टाटा मोटर्स भी ब्रेकडाउन दिया है, यस, टाटा मोटर DVR आया है एक्चुअली मेरे रडार पर, टाटा मोटर नहीं आया अभी तक मेरे रडार पर, टाटा मोटर DVR शॉर्ट आया है, वो स्कैनर में क्लियरली विजिबल है, वो भी स्टॉक हम लोग चेक करेंगे। काफी सारे स्टॉक सेल ऑफ आए हैं, दो स्टॉक, तीन स्टॉक, ओ माय गॉड, तीन बड़े बड़े स्टॉक आए, एस्कॉर्ट, भारत फोर्ज, अल्ट्राटेक, तीनों चेक करेंगे। एस्कॉर्ट, भारत फोर्ज, अल्ट्राटेक, ठीक है, तीन शॉर्ट ट्रेड मिले हैं, बाय ट्रेड में भी देख लेंगे अगर कोई रडार पर है तो, बट अभी फिलहाल तीन शॉर्ट ट्रेड मिले हैं। ठीक है, और बाय ट्रेड में कोई है क्या? बाय ट्रेड में भी दो ट्रेड है, बाय में भी दो है, इंजीनियर्स और ग्रेफाइट, इंजीनियर्स इंडिया, ग्रेफाइट, दो मिड कैप काउंटर आए हैं, इंजीनियर्स इंडिया है और ग्रेफाइट। चलो ये स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक मेरे हिसाब से हमें काफी अच्छा BTSC SCBT ट्रेड्स मिल जाएगा। STC इंडिया एक आया है रडार पर, ये है, इसमें मूवमेंट तो है लेकिन थोड़ा सा ट्रस्टवर्थी स्टॉक नहीं है ये, यू कैन सी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है लेकिन इतना ट्रस्टवर्थी काउंटर नहीं है, इसमें मैं ट्रेड देने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दो बार इसमें ट्रेड लिया है ब्रेकआउट पे और थोड़ा लॉसेस किया है, ये इतना ट्रस्टवर्थी काउंटर नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार इग्नोर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया, इसमें ब्रेकआउट है, आंसर इज यस, इसमें ब्रेकआउट है। आवरली चार्ट देखते हैं, सॉरी डेली चार्ट देखते हैं क्या दिखा रहा है, हाँ हाँ हाँ, डेली चार्ट पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास है ये, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास है, 1, 2, 3 और 4 एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास है, 67 के ऊपर अगर गया ये तो ये चलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग थोड़ा मार्केट वॉच में ऐड करते हैं। ग्रेफाइट देखते हैं, ग्रेफाइट भी चलेगा, ग्रेफाइट इनफैक्ट थोड़ा परफेक्ट BTSC ट्रेड लग रहा है मुझे,
अगर हम लोग आवरली देखते हैं तो ग्रेफाइट चल सकता है, यस ग्रेफाइट चल सकता है, ग्रेफाइट एक ट्रेड लग रहा है काफी अच्छा। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड भी हम लोग देखेंगे, एस्कॉर्ट्स देख लेते हैं पहले, एस्कॉर्ट्स है शॉर्ट्स में। ठीक है, ये थोड़ा सा सपोर्ट पे है, 1800 तक आ सकता है इजिली। और कौन सा है, भारत फोर्ज है शॉर्ट में, क्लियर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। ठीक है, तो भारत फोर्स तो एक क्लियर शॉट है, सबसे पहले ये ट्रेड लेंगे हम लोग। और वेट ऑन मिनट, मैं मैसेज कर रहा हूँ, वेट ऑन मिनट, मैसेज कर रहा हूँ मैं, वेट ऑन मिनट। ठीक है, सो एसटीबीटी ट्रेड ले रहे हैं हम लोग सबसे पहले भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज में एसटीबीटी ट्रेड ले रहे हैं, वेट ऑन मिनट। ठीक है, भारत फोर्ज एसटीबीटी ट्रेड मिला होगा, चेक कर लो, भारत फोर्ज में एसटीबीटी ट्रेड मिला। टाटा मोटर्स भी शॉर्ट है, आंसर इज यस, टाटा मोटर्स भी ये पूरा गैप फिल कर सकता है। ये देखो यहां पर ये इसने ब्रेक डाउन दिया है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, ये जो गैप है ना 420-25 तक, ये पूरा गैप फिल कर सकता है, पॉसिबल है वर्स्ट केस में 400 भी टेस्ट कर ले, पॉसिबल है वर्स्ट केस में 400 भी टेस्ट कर ले टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स भी खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, एंड इनफैक्ट आई थिंक इसमें बड़ा सेल ऑफ आने वाला है, 400 तक तो इजीली लगता है। ये भी खराब है, इसको भी हम लोग एसटीबीटी ट्रेड लेंगे। वेट वन मिनट, मैं मैसेज कर रहा हूं। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, एक्चुअली स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट प्रॉपर है, वर्थ है, लेकिन ट्रेड लेना वर्थ है इसमें। मैसेज किया मैंने एसटीबीटी ट्रेड के लिए, टाटा मोटर्स भी, भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स, ये दो एसटीबीटी ट्रेड लिए। इज दैट पार्ट क्लियर? नो मिस्टर गणेश, आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, कॉल सेल करना है, इधर कॉल सेल करो या फिर बेरिश स्ट्रेटेजी लो, बेर पुट स्प्रेड और समथिंग, मिस्टर गणेश। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेटर यू अवॉइड शॉर्ट ट्रेड, गो ओनली लॉन्ग ट्रेड, सिर्फ बाय वाला ट्रेड लो। फिर ऑप्शंस आपने कंप्लीट कर लिया, ऑप्शंस लेवल वन लेवल टू कोर्स, यस और नो? मिस्टर गणेश, हैव यू कंप्लीटेड ऑप्शंस लेवल वन कोर्स? हाँ, तो पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। अच्छा, लॉन्ग में एक ट्रेड ले रहे हैं हम लोग, दैट इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट काफी बेटर चार्ट है, बीटीएसटी में सिर्फ एक ही ट्रेड ले रहे हैं, दैट इज ग्रेफाइट, अभी तक तो यही है, बाकी देखते हैं। मैसेज किया मैंने, चेक करो।
आई होप आपको ग्रेफाइट का भी मैसेज मिला होगा, ग्रेफाइट, भारत फोर्ज, टाटा मोटर, तीनों ट्रेड मिला होगा, चेक कर लो। तीन ट्रेड लिया हम लोगों ने। नहीं, इंजीनियर्स इंडिया हम लोग नहीं ले रहे, बिकॉज 67 का रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बोला भी। अल्ट्रा टेक में भी थोड़ा कन्विक्शन कम है, बिकॉज इसमें भी पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है मुझे। बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका और ये सपोर्ट पे है, तो अल्ट्रा टेक भी नहीं लेना है। एस्कॉट में भी फॉल तो आया एक्चुअली, लेकिन एस्कॉट उतना मुझे लग रहा नहीं है कि उतना बड़ा फॉल आ सकता है। इसमें एक्चुअली ट्रेड ले सकते हैं, जिस हिसाब का पैटर्न है ना, ट्रेड तो ले सकते हैं हम लोग इसमें। एस्कॉट में भी ट्रेड तो बनता है, थोड़ा वेट करते हैं। भारत फोर्स थोड़ा कन्विक्शन वाला ट्रेड है, क्योंकि इसमें कैंडल प्रॉपर बना है और ये सपोर्ट ब्रेक किया है इसने, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए बस। क्लोजिंग अगर उसके नीचे दे देगा ना, तो भारत फोर्स फिर 610 तक जा सकता है, 600 तक जा सकता है इजीली। तो थोड़ा वेट करेंगे मेरे हिसाब से। तीन ट्रेड लिए हम लोगों ने और थोड़ा वेट कर रहे हैं। निफ्टी डेज लो पे है, करेक्ट, निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरने के चांस लग रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट बेरिश ही लग रहा है मुझे। ग्रेफाइट जस्ट फॉर हेजिंग पर्पज के हिसाब से लिया, मतलब ग्रेफाइट इज अ मिड कैप काउंटर, उसको निफ्टी से ज्यादा मतलब नहीं है। अगर इन केस निफ्टी रिकवर हुआ तो ग्रेफाइट में तो प्रॉफिट आना ही आना है, ऐसा है। बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी में कोई भी लॉन्ग पोजीशन मत बनाना। अगर 315 तक, 315 तक बैंक निफ्टी यहीं पे रहेगा, तो हम लोग बेयर पुट स्प्रेड बनाकर जाएंगे वो चलेगा, प्रोटेक्टिव कॉल बनाकर जाएंगे वो चलेगा, कोई भी बेरिश स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। 315 तक अगर बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे रहता है तो। इज दैट पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। एस्कॉट जोर से नीचे आया, करेक्ट। एस्कॉट में भी ट्रेड ले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। एस्कॉट में हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं, लेकिन एस्कॉट में भी ले लेना चाहिए था, इसमें भी पैसा आ जाता काफी अच्छा। ये एग्जिट कर दिया, इंडिगो और इंडिया बुल रियल इस्टेट मैंने एग्जिट कर दिया, इसमें हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। यूबीएल हम लोग ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, याद है? यूबीएल भी हमारे रडार पर था, करेक्ट। ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हम लोग ने एनालिसिस किया था यूबीएल का, अगर आपको याद है। आइडिया आज आप है, हाँ, आइडिया ऐसे स्टॉक्स तो मतलब कोई यही नहीं है ना, इनको निफ्टी से लेना देना नहीं है, जैसे वॉल्यूम हुआ वैसे वो ट्रेड होते हैं, ऐसा है। आइडिया में वैसे भी आप ट्रेड मत करना मिस्टर दिवे नेवार, लॉट साइज काफी बड़ा है, उसमें अगर आप फंस जाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आइडिया डू नॉट हैव आइडिया इन योर पोर्टफोलियो, हैव आइडिया इन योर माइंड मिस्टर दिव्य निवार। माइंड में आइडिया रखो, पोर्टफोलियो में नहीं।
निफ्टी भी आ रहा है, डेज लो आ रहा है निफ्टी भी, 16,500 के नीचे निफ्टी, 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी, दोनों खराब है। इज दैट पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। 16,500 के नीचे निफ्टी, 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी, दोनों खराब है, दोनों खराब है, ठीक है, दोनों में व्यू बेरिश है, करेक्ट? क्लियरली मतलब लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बाद में बोलना मत कि मैंने बोला नहीं था, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लो। स्कैन करेंगे, 3 बजने दो, 3:01, 2 मिनट होने दो और बीटीएसटी स्कैन करेंगे हम लोग। टाटा मोटर्स नीचे आना चालू हुआ, भारत फोर्स थोड़ा नीचे आना चालू हुआ, ग्रेफाइट थोड़ा आएगा बिकॉज मार्केट में भी सेल ऑफ आया, यू कैन सी 16,500 के नीचे आ चुका है और निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी नीचे आ चुका है अच्छा खासा। मॉर्निंग में मैंने आपको राइट टाइम पे मैसेज किया कि एग्जिट कर दो, यस और नो? मिस्टर दिव्य नेवार, मिस्टर टीवी मूर्ति, करेक्ट? मॉर्निंग में मेरा मैसेज आपको मिला होगा एट 9:20, 9:20 को मैसेज कर दिया था ना मैंने, 9:20 को मैसेज मिला था मेरा, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ नाउ इमीडिएटली। सी, अगर आपको मार्केट में ट्रेडर बनना है ना तो आपको 9 बजे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। आप 9:30 को या 9:45 को मार्केट देखोगे देन मार्केट थोड़ा पनिशमेंट करेगा और आपका जो लेट टाइमिंग है लेट आने का उसके हिसाब उसके वजह से अटेंडेंस ये हो जाएगा, ठीक है, या हाफ डे लग जाएगा आप बोल सकते हो, करेक्ट? तो आपको टाइमिंग के हिसाब से प्रॉपर बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं 9:30 को स्टार्ट करूंगा या ये, अगर आपका ओपन पोजीशन है तो आपको 9:15 को ही स्क्रीन के सामने आना चाहिए। ओपन पोजीशन नहीं है तो 9:30 को स्टार्ट करो, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है क्या? इज इट स्टार्टेड? स्टार्टेड, यस, यू कैन टेक बेरिश स्ट्रेटजी। एक काम करता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी दोनों में व्यू बेरिश है, यहां पर लिख देते हैं, दोनों में व्यू बेरिश है, लिख रहा हूं मैं। निफ्टी का टारगेट 16,000 लग रहा है, बैंक निफ्टी का टारगेट 33,800 लग रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? ये टारगेट लग रहा है, 16,000 निफ्टी का टारगेट है, बैंक निफ्टी का 33,800, निफ्टी का थोड़ा 16,100 तक आप बोल सकते हो क्योंकि निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो निफ्टी थोड़ा 16,100 तक लगता है और बैंक निफ्टी 33,800 तक लगता है, मिनिमम यहां से 1,000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में लगता है। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर एसटीबीटी ट्रेड देखेंगे ज्यादा क्योंकि मार्केट बेरिश है, तो एसटीबीटी ट्रेड्स में हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। अशोक लेलैंड, ये सब स्टॉक्स में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल ऑफ है। बहुत ज्यादा सेल ऑफ है, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, ये सारे भारत एस्कॉर्ट, ये सब जो कौन से स्टॉक है, मोटर वाले स्टॉक है, राइट, व्हीकल्स वाले स्टॉक है, ऑटो सेक्टर, करेक्ट, इसमें बहुत ज्यादा सेल ऑफ है, एक्चुअली सेल ऑफ बहुत ज्यादा है ये सारे स्टॉक्स में, आई थिंक कुछ न्यूज आया है और सेल ऑफ बहुत ज्यादा है। बाय तो ट्रेड लेना ही नहीं है, दैट इज श्योर। अशोक लेलैंड है, एस्कॉर्ट है, भारत फोर्ज है, टाटा कंज्यूमर भी आया है, अल्ट्राटेक भी आया है। अल्ट्राटेक तो हम लोग ने एनालिसिस किया है, और रामको सीमेंट भी आ गया, चलो रामको सीमेंट और एयू बैंक ये भी आ रहा है शॉर्ट में, ये भी चेक करेंगे।
सारे स्टॉक सेल ऑफ में आ रहे हैं। रामको सीमेंट ये भी चेक करेंगे, ये भी शॉर्ट में आ रहा है। ये भी शॉर्ट में है, यू कैन सी हियर, ये भी काफी ज्यादा शॉर्ट है। अभी शॉर्टिंग चालू हुआ है इसमें। रामको सीमेंट भी शॉर्ट में है, अशोक लेलैंड भी शॉर्ट में, अशोक लेलैंड भी बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ आया है इसमें। यूबीएल मैंने आपको बोला, यूबीएल में भी एग्रेसिव सेल ऑफ है। ये सारे स्टॉक वीक है, सारे स्टॉक वीक है, खाली ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी किसी में भी आप शॉर्ट पोजिशंस बना सकते हो, इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी, सारे स्टॉक वीक है, सारे स्टॉक वीक है। रामको सीमेंट वीक है, अशोक लेलैंड वीक है। हम लोगों ने ट्रेड लिया है, हम लोगों ने भारत फोर्ज लिया है, टाटा मोटर्स लिया है और ग्रेफाइट लिया है, हम लोगों ने तीन ट्रेड लिया है। अब थोड़ा वेट करेंगे, उसके हिसाब से और ट्रेड लेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेड लेने वाला हूँ इसमें रामको सीमेंट, इसका स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, फ्रेश फॉल इसमें चालू हुआ है। अशोक लेलैंड में भी शॉर्ट हम लोग लेंगे, इसमें भी फ्रेश फॉल चालू हुआ है। तो अशोक लेलैंड और रामको सीमेंट, पहले अशोक लेलैंड लेते हैं, इसमें काफी अच्छा शॉर्ट मुझे लग रहा है। एसटीबीटी ट्रेड है, सेल अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। हाँ थोड़ा सा मैंने बाउंस के हिसाब से रखा है कि यहाँ पर सेल मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया है, चेक कर लो। एक सौ ग्यारह के आसपास अगर मिलता है ना, देन इट्स अ परफेक्ट शॉट। भारत फोर्ज में ट्रेड लिया, टाटा मोटर्स में लिया, रामको सीमेंट में ट्रेड लेना है मुझे, बट इसमें ट्रेड लेना है एक्चुअली हमें, ये भी काफी वीक लग रहा है। रामको सीमेंट में ट्रेड लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे मेरे हिसाब से। रामको सीमेंट ग्रेफाइट में ट्रेड लिया है, अशोक लेलैंड में लिया है, रामको सीमेंट एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, भारत फोर्ज लिया है, एस्कॉर्ट से रिमूव कर देता हूँ, ये ट्रेड लिया हम लोगों ने। यूबीएल में ट्रेड नहीं लिया है, यूबीएल का भी चार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। UBL, oh my God, look at this. अभी कैंडल डेंजरस फॉल है, इसमें बड़ा फॉल है, लेटेस्ट कैंडल भी फॉल वाला ही है। देखो चार ट्रेड लिया हम लोगों ने, तीन सेल है एक बाय है, तीन शॉर्ट ट्रेड है एक बाय ट्रेड है, प्लीज कंफर्म, तीन शॉर्ट ट्रेड है एक बाय ट्रेड है, करेक्ट? यस, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप बेरिश स्ट्रैटेजी लेना स्टार्ट कर सकते हो। इफ एनीवन वांट टू टेक एनी निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश स्ट्रैटेजी, यस यू कैन टेक। मैंने आपको तभी बोला 16,500 और 35,000 ये ब्रेक होते ही दोनों इंडेक्स खराब है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप बेरिश स्ट्रैटेजी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको टारगेट भी दे दिया है। इज दैट पार्ट क्लियर? निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर है क्या? Anyone taken bearish strategy? अगर आपने bearish strategy लिया है तो reply in the question box. Reply in the question box. अगर आपने कोई bearish strategy लिया है तो reply in the question box. तीन short trade लिया हम लोगों ने, एक buy trade लिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बेयर पुट स्प्रेड ट्रेड कर लिया है, बेयर पुट स्प्रेड ट्रेड किया मैंने, 35,000 का पुट बाय किया है, 34,000 का पुट शॉर्ट किया है, बेयर पुट स्प्रेड लिया है मैंने, बेरिश स्ट्रेटजी, बेयर पुट स्प्रेड। ऑप्शंस लेवल वन कोर्स में मैंने सिखाया है, क्रूड इज मूविंग अप, क्रूड बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है क्या?
प्रोटेक्टिव कॉल ट्रेडेड, ओके ठीक है, प्रोटेक्टिव कॉल ले लो तो भी चलेगा, बेयर पुट स्प्रेड ले लो तो भी चलेगा, बट टेक बेरिश स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई भी बेरिश स्ट्रेटजी ले लो चलेगा। नहीं और कोई स्टॉक रेडार पर नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे, और कोई स्टॉक रेडार पर नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। वेट ऑन मिनट, और देखते हैं अगर और कोई स्टॉक मिल रहा है क्या। बहुत सारे स्टॉक तो इतने सारे, आईसीआईसीआई बैंक भी आया अभी शॉर्ट, आईसीआईसीआई बैंक भी शॉर्ट आ गया। मिस्टर दिव्य नेवार, ऐसा नहीं करना है, पुट भी बाय किया, कॉल भी शॉर्ट किया, ये सब नहीं करना है। कोई एक स्ट्रैटेजी लो, या तो पुट वाला स्ट्रैटेजी लो या कॉल वाला स्ट्रैटेजी लो, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर गया तो दोनों जगह से आपको लॉस होना चालू होगा। मिस्टर दिव्य नेवार प्लीज ऐसे ट्रेड नहीं करना है। डोंट ट्रेड लाइक दैट, ऐसे ट्रेड नहीं करना है। दो ट्रेड आए हैं रडार पर और शॉर्ट में, आईसीआईसीआई बैंक और टीवीएस मोटर, दोनों शॉर्ट में आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक एंड टीवीएस मोटर, आईसीआईसीआई बैंक भी एसटीबीटी ट्रेड पॉसिबल है, आंसर इज यस पॉसिबल है, मैसेज करूंगा मैं, वेट वन मिनट, थोड़ा वेट करते हैं। और ये भी गया काम से, सारे ऑटो स्टॉक में तो एग्रेसिव सेल ऑफ हुआ है, ऑटो काउंटर्स में, ये थोड़ा सपोर्ट पे है, 584 का ही सपोर्ट है इसमें। आईसीआईसीआई बैंक भी गया काम से, शॉर्ट है, क्लियर शॉर्ट है। आईसीआईसीआई बैंक भी शॉर्ट है, टीवीएस मोटर भी शॉर्ट है, टीवीएस मोटर थोड़ा सपोर्ट पे है, 583 का सपोर्ट है, वो ब्रेक होगा तो 15-20 रुपए और जाएगा, 550 तक लगता है, 583 ब्रेक होगा तो। आईसीआईसीआई बैंक क्लियर शॉर्ट है, 670 के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो वन मोर ट्रेड वी विल गिव आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट ट्रेड, अगर मार्जिन है तो लेना, अगर मार्जिन नहीं है तो टेक टेक दैट एज अ पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड लेना है फिर, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस ही दे रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा मैं, छोटा ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वेट वन मिनट। एक काम करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, रुको मैं मैसेज करूंगा, वेट करते हैं, रुको। देखो 3:15 हुआ ना, दोनों ऊपर आया इंडेक्स, थोड़ा वेट करेंगे, लेट्स वेट। ट्राई कर रहा है क्लोजिंग 35,000 उसके आसपास क्लोजिंग करने का, तो थोड़ा वेट करते हैं। ये बनाया है इसने HW कैंडल बनाया है, डेली में, डेली में HW कैंडल बनाया है, करेक्ट मिस्टर धीरज, ये परफेक्ट HW कैंडल है और ये डबल सपोर्ट पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, एक्चुअली इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, क्लोजिंग अगर देगा ना तो 670 तक तो इमीडिएटली टारगेट है, फिर 670 तक। आईसीआईसीआई बैंक, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई, स्क्रीन दिख रहा है ना, ये सपोर्ट इसने तोड़ा है, HW कैंडल बनाया है, बट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हो रहा है अभी तक, यू कैन सी हियर, सपोर्ट के आसपास है, थोड़ा वेट करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड मैंने मैसेज नहीं किया है, जस्ट टाइप किया था मैंने, बट इंडेक्स में तुरंत मूवमेंट आया तो थोड़ा वेट करते हैं। यस 3:15 जैसे देखो, 3:15 मैंने बोला निफ्टी ऊपर आ गया, बैंक निफ्टी ऊपर आ गया, क्या लो बनाया निफ्टी ने, लुक एट लो, 442 का लो बना के वापस ऊपर है, ओ माय गॉड। 15 मिनट का चार्ट अगर देखे, लुक एट कैंडल,
बेरिश स्ट्रैटेजी लिया है मैंने, लिया है बैंक निफ्टी में, लिया है मैंने निफ्टी में नहीं लिया है, निफ्टी में नहीं लिया है, बैंक निफ्टी में मैंने बेरिश स्ट्रैटेजी लिया है। बैंक निफ्टी में ले लो, निफ्टी में मत लो, बैंक निफ्टी में लो। अच्छा मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो मिस्टर दिव्य निवार, निफ्टी और बैंक निफ्टी इफ यू आर कंपेयरिंग विच इज वीकर इंडेक्स, विच इज वीकर इंडेक्स, तो किसमें बेरिश स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, किसमें लेना चाहिए? बैंक निफ्टी में लेना चाहिए, करेक्ट। तो मैंने बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी लिया है, बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी मैंने लिया है, निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, करेक्ट। बैंक निफ्टी का मैंने स्ट्रैटेजी लिया, बहुत वोलेटिलिटी आया ना लास्ट जस्ट 10 मिनट में, देखो निफ्टी कितना 100 पॉइंट रिकवर हुआ है, लो से 100 पॉइंट रिकवर हुआ है, बहुत फास्ट रिकवरी आया। बट मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए हैं शॉर्ट वो उसी लेवल के आसपास है, भारत फोर्स खाली 1-2 रुपए अगेंस्ट है, बाकी सब उसी लेवल के आसपास है, स्टॉक्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, प्योर इंडेक्स मैनिपुलेशन है, स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है, इंडेक्स मैनिपुलेशन है, वेट करो, फंसना मत। हाँ बैंक निफ्टी बेरिश स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, निफ्टी में कोई ट्रेंड नहीं लेना है, बैंक निफ्टी बेरिश स्ट्रैटेजी ऑन है, निफ्टी में ट्रेड ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर दिव्य नवार, कॉल शॉर्ट वाला ट्रेड लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज व्यू यहां से बुलिश का तो नहीं है, तो फिर भी आपको कॉल शॉर्ट तो प्रॉफिट दे ही देगा, कॉल शॉर्ट में प्रॉफिट आ ही जाएगा, ठीक है। बट वीक, अगर वीक की बात करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगता है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, अगर बेरिश स्ट्रैटेजी ले भी लिया है तो पैनिक बिल्कुल भी मत होना, इज दैट पार्ट क्लियर? बेरिश स्ट्रैटेजी लिया है और बैंक निफ्टी ऊपर आया है तो पैनिक बिल्कुल भी मत होना, करेक्ट। मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा क्या करना है, क्लोजिंग होने दो, कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए भी ऊपर आता है, ठीक है, पॉसिबल है स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर आया है और कल गैप डाउन कर दे, ये भी पॉसिबल है मिस्टर आंसर खलीफा, समझ रहे हो ना, करेक्ट। स्टॉप लॉस हंटिंग करे अभी और कल गैप डाउन हो जाए, ये देखो निफ्टी देखो कितना जल्दी नीचे आया, करेक्ट, बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, वापस 35,000 के नीचे आया, करेक्ट, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, पैनिक नहीं होना है, बेरिश स्ट्रैटेजी अगर लिया है होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाटा मोटर विथ वॉल्यूम पॉजिटिव हुआ, रुचिरा मिस्त्री प्राइस तो 2% माइनस है, अगर आप हाई से देखो 20 रुपीज डाउन है, 20 रुपया नीचे हाई से, 458 का हाई था, 438 प्राइस है, डू यू थिंक इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Do you think it is positive or negative? ये डेली चार्ट है टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स का डेली चार्ट देखो और मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है। ये डेली चार्ट है, सेलर्स आर कंट्रोलिंग द प्राइजेस, सेलर्स आर कंट्रोलिंग द प्राइजेस अगेन, यस और नो, कैन आई से दिस? सेलर्स आर कंट्रोलिंग द प्राइजेस, सेलर्स आर कंट्रोलिंग द प्राइजेस अगेन, वही हालत है, अभी भी वही है। ठीक है, तो चार ट्रेड लिए हम लोगों ने, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्स शॉर्ट, ग्रेफाइट एक लॉन्ग लिया है हम लोगों ने, बाय ट्रेड लिया है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में बेरिश स्ट्रैटेजी आप अभी भी ले सकते हो, आंसर इज यस, बट हाईली प्रेफरेबल जो है वो बैंक निफ्टी वीक है, तो बैंक निफ्टी में बेरिश स्ट्रैटेजी हाईली प्रेफरेबल है मिस्टर देवे निवार। अगेन मैं वापस आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर निफ्टी में आपने कुछ कॉल शॉर्ट वाला ट्रेड लिया है, पैनिक मत होना, होल्ड एज इट इज, ठीक है, क्लियर है? ओके,
कल सुबह मिलेंगे 9:30 वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।